दरअसल अभी आपने सीन में देखा कि विवान जो है वो परेशान है, क्योंकि वो बहुत ही मस्ती खोर है और ऐसा है कि एक बच्चे की जान जाने वाली थी उसकी वजह से। अब क्या है, शक्तियाँ तो मिलती है लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी आती है, और वो जिम्मेदारी विवान समझ नहीं रहा है, तो हम उसे सज़ा देते हैं। लेकिन उसी सज़ा के साथ साथ तिमनासा उसके साथ एक क्या कहते हैं, एक षड्यंत्र खेलती है और विवान के हाथ में एक ऐसा जादू दे देती है कि जिसे भी वो छुएगा वो पत्थर बन जाएगा। तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि जिसे भी वो छू रहा है पत्थर बन रहा है, कोई कागज़ का टुकड़ा है, खाना है, ना ही वो कुछ खा पा रहा है, ना ही कि कोई उसे छू पा रहा है, जैसे मस्ती परी है या फिर खुशी है वो खुद है, तो अपने आप डरे हुए हैं कि कैसे उन सबको छुए। शौर्य के पास भी इसका कोई हल नहीं है, मैं तिमनासा के पास जाता हूँ तो वो भी मुझे उल्लू बना के वापस भेज देती है कि कैसे, वो एक अलग अलग उपाय देती है लेकिन उसमें से कोई उपाय होता नहीं है, और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। एट द एंड बालवीर फंस जाता है कि कैसे विवान की प्रॉब्लम सॉल्व करे, कैसे जो लोग पत्थर बन गए उन्हें ठीक करे, और शौर्य जो है वो भी प्रॉब्लम में है, तो कैसे इन सबका ओवरकम करके बालवीर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा। तो आपको आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा कि कैसे बालवीर, जो सब लोग पत्थर बन जाते हैं, कैसे एक फल है तो फल को कैसे उसका असर, उसका रस निकलता है, कैसे एक लंबी प्रोसेस है जो आपको आने वाले एपिसोड्स में बहुत मज़ा आने वाला है। बस इस नए साल में मैं आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, बालवीर रिटर्न्स की पूरी टीम की तरफ से। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये नया साल बहुत ही अच्छा बीते, पिछले साल से बेहतर बीते, और हम बालवीर रिटर्न्स की पूरी टीम आपको ऐसे ही मज़े कराते रहे, आपको ऐसे ही खुश रखे, वैसे हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।